हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और देखिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मूवमेंट, शिफ्ट, चेंजेस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए रिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगी कि एक मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन मन ही मन दिखे डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड कहता है कि आप बहुत श्योर नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं जो डायरेक्शन आपने ली है, जिस डायरेक्शन में अगेन आप मूव कर रहे हैं, वो सही है भी या नहीं है, या फिर आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, यही चीजें आपके माइंड में डीपर लेवल में चलती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे मिसिंग यू का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपको उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत आप उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपनी इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, और टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या फिर करियर प्रोफेशनल फ्रंट में आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर ज़्यादा बिजी कर रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड अप्रैल के लिए टाइम एंड थ्री ऑफ सूट्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कुछ चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। और देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इनफैक्ट सब लिब्रास के लिए डिफर कर सकता है, लेकिन थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे टाइम का कार्ड कहता है कि टाइम एक मसला है। और देखिए, ये भी सब लिब्रास के लिए डिफर करेगा। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कि लिब्रास आपके पास ही इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए उतना वक्त नहीं रह रहा है, या फिर आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो देखिए, टाइम एक मसला, एक इशू रह रहा है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हर्ट, एक पेन अप्रैल एंड में या अप्रैल मंथ में आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्राज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ट्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट सरफेस लेवल पे महसूस कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए मेडिटेशन का कार्ड कहता है कि बहुत सोच समझ के हर चीज़ को डील कर रहे हैं। कुछ सवाल उनके माइंड में हैं जिनके वो स्पिरिचुअलिटी या फिर जिस भी गॉड को मानते हैं उनसे कनेक्ट करके आंसर्स चाह रहे हैं,
हैं या फिर यू नो ले रहे हैं। और देखिए कहीं सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर मन ही मन एक बहुत ज़बरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। अगेन देखिए उनके लिए भी ऐसी ही एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं और ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो भी कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों में या फिर करियर प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज चाह रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी मनी पैसा उनके लिए अहम रह रहा है। एंड देखिए एंड अप्रैल के लिए लेडीज नाइट एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को आपके पार्टनर एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए ये भी सबके लिए डिफर कर सकता है, कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। और कहीं लेडीज़ नाइट का कार्ड कहता है कि अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा फन, मज़ा, मस्ती, अगेन यू नो जो भी क्लोज सर्कल के उनके लोग हैं उनके साथ वो करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड लाइटनिंग। और देखिए लाइटनिंग का कार्ड कहीं किसी चीज़ के सडनली होने की बात करता है और ये भी सबके लिए डिफर करेगा, जाहिर सी बात है ये जनरल रीडिंग है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ही लॉजिकली आप दोनों ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है तो इस रिलेशनशिप में जो भी फीमेल हैं बहुत सारे चांसेस हैं कि उनकी ज़्यादा लॉजिकल एनर्जीज हैं, वो माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं और एक डिटैचमेंट भी किसी लेवल पे आप दोनों लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। और ब्लंट कम्युनिकेशन, ब्लंट कॉन्वर्सेशंस भी किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए मिड अप्रैल के लिए फेट एंड डेविल के कार्ड्स कहते हैं एक फिजिकल इंटीमेसी या तो आप दोनों के बीच में हो रही है या फिर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इसी वजह से या अदरवाइज भी एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक टेंशन इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है जहाँ पे यू नो या तो आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनकी तरफ से एक डोमिनेटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो, डीपर लेवल के लिए फेट का कार्ड कहता है कि जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट करते हुए, उन पे कंप्लीट फेथ करते हुए आप यू नो एक सरेंडर मोड में ही रह रहे हैं। एंड देखिए एंड अप्रैल के लिए यस एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए देखिए आप दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों से, एक दूसरे की बातों से एग्री कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल आप लोग किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल हो रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल पे अगर अप्रैल मंथ की एनर्जीज देखें लिब्राज, तो अप्रैल स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक लॉजिकल एनर्जीज की बात करता था और यहाँ पे एंड ऑफ अप्रैल में ये ही लॉजिकल एनर्जीज बहुत एक इमोशनल, लविंग, केयरिंग एनर्जीज में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। एंड मिड में अगेन किसी तरीके का प्रेशर रह रहा है। और देखिए आप दोनों के कार्ड्स देखें अगर हम लिब्राज, तो आपके लिए एंड ऑफ अप्रैल के लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स भी कहीं ओवर इमोशनल या फिर ओवर सेंटिमेंटल या फिर बहुत सेंसिटिव होने की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूंगी अप्रैल एंड में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है।
तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या फिर आपके आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।